दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म जुग जुग जियो दर्शकों के बीच काफी प्यार पा रही है। लंबे समय बाद बॉलीवुड में दर्शकों को किसी फिल्म ने इतना इंप्रेस किया है, जिसकी वजह से इस फिल्म ने बीते दिनों ताबड़तोड़ कमाई की और एक काफी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और इसी फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आने वाली अदाकारा है कियारा आडवाणी, जिन्होंने नैना शर्मा के किरदार को निभाते हुए खूब प्यार बटोरा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, जहाँ कियारा आडवाणी अपने इस किरदार को निभाकर काफी तारीफें बटोर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां इस रोल को रिजेक्ट भी कर चुकी है। जी हाँ, तो आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्रियां और क्यों उन्होंने इस फिल्म में नैना शर्मा के रोल को रिजेक्ट किया था, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के जरिए। नंबर एक, कृति सैनन। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभिनेत्री कृति सैनन का, जो कि वर्तमान में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट अदाकारा बनी हुई है। बीते सालों में अपनी हर एक फिल्म से दर्शकों को काफी इंप्रेस कर चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था। पर कृति सैनन को इस फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म पर अपना टाइम वेस्ट करना जायज नहीं समझा। नंबर दो, आलिया भट्ट। फिल्म में नैना शर्मा के रोल को रिजेक्ट करने वाली अभिनेत्रियों में एक नाम अभिनेत्री आलिया भट्ट का भी शुमार है। और बात करें कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो बता दें कि दरअसल इसकी वजह है आलिया भट्ट बीते सालों में कई बार वरुण धवन के साथ फिल्मों में नजर आ चुकी है, जिसकी वजह से अभी अपने करियर में दूसरे अभिनेताओं के साथ काम करना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर तीन, जैकलिन फर्नांडिस। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी इस रोल को रिजेक्ट कर चुकी है। वहीं पर बात करें कि इन्होंने नैना के किरदार को करने से इनकार क्यों कर दिया, तो बता दें कि दरअसल जैकलिन फर्नांडिस पहले ही अपने कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा बिजी थी और इसी वजह से उनके पास इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिसके चलते डेट्स ना होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। नंबर चार, दीपिका पादुकोण। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का। बात करें इन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार क्यों कर दिया, तो बता दें कि दीपिका को इस फिल्म को रिजेक्ट करने की कई वजह थी। जहां एक तरफ उन्हें इस फिल्म की स्टोरी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस की डिमांड कर रही थी, तो वहीं फीस को लेकर भी इनकी मेकर्स के साथ खास बात नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को ना करना ही सही समझा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन सभी अभिनेत्रियों में से कौन फिल्म में कियारा आडवाणी के किरदार को अच्छे से निभा पाती, आप हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।